नमस्कार, प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं अग्रमा जादौन। खबर गुरदासपुर से आ रही है। गुरदासपुर पुलिस के अधीन पड़ते थाना दीनानगर की पुलिस ने ऑनलाइन ठगी करने वाले 8 सदस्य ही गिरोह का पर्दाफाश करते हुए इस गिरोह के 4 सदस्यों को नई दिल्ली से काबू किया है। जानकारी देते हुए इंस्पेक्टर कुलविंदर सिंह ने बताया कि 5 अगस्त 2020 को उन्हें किरणप्रीत निवासी गाँव रंजीत बाग ने शिकायत की थी कि उसने नौकरी हासिल करने के लिए shine.com नाम की एक वेबसाइट पर अपना बायोडाटा दिया हुआ था, जिसके बाद उन्हें 2 अलग अलग नंबरों पर फोन आया और कॉल करने वाले ने कहा कि हमने आपका डाटा चेक कर लिया है और बाकी नौकरी संबंधित बातचीत चल रही है। जिन्होंने उसे व्हाट्सएप के माध्यम से एक लिंक भेजा, जिसे क्लिक करने के बाद उसने उस फॉर्म को भर दिया, जिसमें अपनी पूरी जानकारी लोड कर दी, जिसके बाद उसके फोन पर एक OTP नंबर आया, जो उसने वह OTP नंबर फोन करने वाले को लिखवा दिया, जिसके बाद शिकायतकर्ता के बैंक अकाउंट में से फोन करने वाले ने नेट बैंकिंग के माध्यम से अन्य खातों में 5 लाख रुपए ट्रांसफर करके निकाल लिए, जिसके बाद मामले की जांच की गई। जांच के दौरान बैंक खातों की डिटेल हासिल करने के बाद टीम तैयार की गई और टीम को आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दिल्ली को रवाना किया गया। पुलिस पार्टी ने 4 आरोपियों को दिल्ली से काबू कर लिया। जांच के दौरान सामने आया है कि इस गिरोह के सरगने आशीष मित्तल व मनीष कुमार ने मिलकर एक गिरोह बनाया हुआ था और इस गिरोह के 3 सदस्यों के नाम पर कंपनी दिल्ली में खोली हुई थी, जो मनी ट्रांसफर का काम करती थी, जिसकी आड़ में यह लोगों के साथ ठगी करने का गोरख धंधा चला रहे थे। इसमें से मनीष कुमार जाली कागजात तैयार करता था, जिस पर फोटो गिरोह सदस्यों की लगाई जाती थी, जिनके आधार पर ये जाली नामों तले बैंक में खाता खोल देते थे। फिर इस गिरोह का सरगना आशीष मित्तल इंटरनेट से सर्च कर लोगों के मोबाइल नंबर हासिल कर उनकी संबंधी जानकारी हासिल कर लेता था और उन्हें व्हाट्सएप के माध्यम से लिंक भेजकर क्लिक करने के लिए कहा जाता था। जब कोई व्यक्ति उनकी बातों में आकर लिंक क्लिक करता था तो फिर बहाने से उसकी पूरी जानकारी हासिल कर उस तरफ OTP नंबर के लिए जाता था और उसे बैंक खाते में नेट बैंकिंग के माध्यम से राशि जाली नामों तले खोले खातों में ट्रांसफर कर ली जाती। अब तक गिरफ्तार किए 4 आरोपियों से एक स्कैनर, एक कैमरा, एक DVR बॉक्स, ICICI बैंक की 37 स्वैप मशीन व एक्सिस बैंक की 1 स्वैप मशीन, 7 जाली आधार कार्ड, 2 जाली ड्राइविंग लाइसेंस, 2 जाली पैन कार्ड, 2 जाली डेबिट कार्ड बरामद किए गए। गिरफ्तार आरोपियों को गुरदासपुर की अदालत में पेश करके रिमांड हासिल कर लिया है, जिनसे पूछताछ चल रही है और शेष आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। प्राइम न्यूज 24 के लिए जतिंदर कुंडल की रिपोर्ट। श्रीमती प्रीतकरण खख पिंड रणजीत बाग ने मानयोग SSP गुरदासपुर जी ने एक शिकायत दी सी कि उसके ऑनलाइन कुछ लोगों ने 5 लाख रुपये उसके अकाउंट में कढ़ा लिया, जो SSP साहब जी के दिशा निर्देशों से थाना दीनानगर में FIR दर्ज करके तफ्तीश शुरू की गई। टैक्निकल तरीके जाँच करते ये सामने आया कि प्रीतकरण खख के अकाउंट में कुछ लोगों के अकाउंट में दिल्ली विखे पैसे जो ट्रांसफर करवाए गए थे, जो तफ्तीश मुकम्मल करद्या होया असी दिल्ली पुलिस भेजी। पुलिस पार्टी ने जाके इन्ह के 4 दोषियों जो गिरफ़्तार कर लिया। 8 दोषियों के नाम सामने आए थे। इन 4 दोषियों को काफ़ी मात्रा में स्वैप मशीन, जाली आधार कार्ड, जाली वोटर कार्ड, जाली डेबिट कार्ड जोड़े बरामद किए गए आ, कैमरा बरामद किया गया, स्कैनर बरामद किया गया। तो ये गल सामने आई कि यह बंदे जेड़े आम लोगों इंटरनेट के उत्ते सर्च मार के उन्होंने एड्रैस वगैरह फोन नंबर लैके फोन कॉल करते ते अपना व्हाट्सएप राही एक लिंक भेजते सी। जो लिंक उस व्यक्ति वालों क्लिक कर लिया जाता सी तां उहदी सारी जानकारी चुरा के OTP नंबर बहाने नाल उस कोल लै लैंदे सी, उहदे अकाउंट विचों जिहड़ा नैट बैंकिंग राही अपने अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करा लैंदे सी। सारे अकाउंट इहनां ने जाली नामा हेठ खोले हुए आ। इन्हों का एक साथी जाली पछाण पत्र तैयार करने माहर सी, जो फर्जी नामा ते फर्जी एड्रैस से जाली पछाण पत्र तैयार करता सी ते फोटो अपने ग्रोह के मैंबर दिया लगाता सी, जिस दे आधार के उत्ते बैंक में खाता खोल लेंदे सी ते बाद विच उत्थों रकम कढ़वा के आपस में वंड लेंदे सी। ग्रोह का सरगना आशीष मित्तल आ, जो इस काम में माहर आ, जो लोगों को फोन ते कॉल करके संपर्क करके अपने जाल में फसाता सी ते फिर अपने ग्रोह के राही सारी ठगी की वारदात अंजाम दिता सी। 4 दोषी गिरफ़्तार कर ले आ, 4 साथी इन्हों के गिरफ़्तार करने वाले बाकी आ, जिन्होंने भी जल्दी गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। नहीं वो रहा जी, वो भी फड़ लिया जाएगा जल्दी। सारे दिल्ली के रहने वाले हैं जी।